students, how are you? I hope you all are doing great and doing studies at your home regularly. So today we will discuss the chapter government budget and the economy, right? We will study the chapter of economics, government budget and the economy. Now आप बता सकते हैं कि बजट क्यों बनाया जाता है? जब हम अपने घर में भी कोई चीज़ को एस्टीमेट लेकर चलते हैं, हम बजट बनाते हैं ना, ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, बजट बनाती है, ठीक है? तो बजट बेसिकली क्या है? बजट बेसिकली एक एनुअल स्टेटमेंट है. इट इज़ बेसिकली एनुअल स्टेटमेंट जो क्या शो करता है, एस्टीमेशन ऑफ रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. जो क्या शो करता है, एस्टीमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. अब ये फिस्कल ईयर कौन सा होता है? फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. नाउ रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट अ एक्चुअल स्टेटमेंट. ये एक एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये जस्ट एक एस्टिमेशन बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है? ये जस्ट क्या है, एस्टिमेशन पे बेस्ड है. नाउ दिस इज व्हाट द बजट इज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट? नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब वो क्या चाहती है कि रिसोर्सेज को ऐसे री एलोकेट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोसाइटी का, इकोनॉमी का वेलफेयर भी हो, ठीक है? दोनों ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए कि सोसाइटी वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो. फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को, सपोज करो गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे टबैको का कंजम्पशन ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, टैक्स बढ़ाती है. तो सोसाइटी का वेलफेयर भी है और उसको अपना प्रॉफिट भी आ रहा है, मतलब टैक्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से गवर्नमेंट दोनों को सेटिस्फाई कर देती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह से बजट प्रिपेयर करती है कि जो भी इनकम और वेल्थ, मतलब कोई भी पुअर और रिच के बीच में किसी तरह की इनइक्वालिटीज ना हो. जैसे कि वो रिच लोगों पे तो हायर टैक्स इम्पोज कर देगी और जो पुअर पीपल है उस पे टैक्स ना लगा के जो रिच लोगों से कलेक्ट हुआ पड़ा है वो किसी ना किसी किसी फॉर्म में पुअर पीपल में एज अ सब्सिडी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, दे आर एबल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, अब आप समझते हैं ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन एंड इफ द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग तो डिफ्लेशन. तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन है तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, अगर डिफ्लेशन है तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. इन्फ्लेशन में क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इसमें डिमांड की जगह क्या बात करेंगे, एडी, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कोर डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसमें क्या होगा, एडी अगर एएस से ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बताइए, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, बताइए? इसमें गवर्नमेंट अपना क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कम कर देगी, तो पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से ये सेम केस है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. कि गवर्नमेंट अपना बजट इस तरह से एस्टीमेट करे, इस तरह से अरेंज करे कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं,
ठीक है, उनकी भी फंडिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट के बेसिस पे वो आगे रन करेंगी, ग्रो करेंगी, तो उनकी भी जो फंडिंग है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर सेक्टर से, मतलब जो भी इसमें इंडिविजुअल्स और कंपनीज अगर सेव कर रही हैं, तो दे शुड इन्वेस्ट ऑल्सो, कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा साथ साथ चले, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा लगेगा, ग्रोथ होएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोग सेव करें और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका मतलब है सारे रीजन्स इक्वली डेवलप होने चाहिए। सपोज करिए एक है रीजन ए और एक है रीजन बी, ठीक है। सब लोग जो है वो एक ही रीजन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहीं पे सारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही हैं। इस एरिया में, इस रीजन में कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस एरियाज में बहुत सारी फैसिलिटीज अरेंज करवाती है, कंसेशन दे देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है, सो दैट कि लोग इंकरेज हो और इस एरिया में भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। दिस दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देयर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यू एस्पेक्ट्स को कवर करता है, राइट। अब ये जो रेवेन्यू बजट है, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम सच रेवेन्यू। जितने भी रेवेन्यू वो है आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट की, और एक्सपेंडिचर जो भी मेट हुए उस रेवेन्यू से, इट इंक्लूड्स ऑल दैट, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल बजट है वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर क्रिएट एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, जो ना कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगी और ना ही कोई रिडक्शन होगा एसेट्स के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है बता सकते हैं, टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, रेगुलरली कलेक्ट करती है, इसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब टैक्सेस के अंदर भी दो टर्म्स आती हैं, डायरेक्ट टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स बोलते हैं जिसे हम, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, विच आर इम्पोज ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, जो किसी इंडिविजुअल्स और कंपनीज की इनकम या उसकी प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल कैसे होगा, जैसे इनकम टैक्स जो लगता है वो हो गया, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये हो गए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, दीज जो ये वाले इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जीएसटी, जो डायरेक्ट किसी इनकम या प्रॉपर्टी पर नहीं लगता बल्कि कंजप्शन पे लगता है। जैसे हम कहीं पर कुछ खाने जाते हैं, जैसे हमने पिज़्ज़ा खाने गए, सपोज़ वहाँ पे हमारा 800 का बिल बना और बाकी उसके ऊपर जो भी जीएसटी वगैरह लगा के वो हमारा 900 का बिल बन गया, तो गवर्नमेंट क्या कर दी है, इनडायरेक्टली वो हमें शिफ्ट हो रहे हैं एक तरह से वो वाला टैक्स, है ना। तो हम वो टैक्स पे करते हैं, तो वो ना तो हमारी इनकम पे है और ना ही प्रॉपर्टी पे है, तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कौन कौन से टैक्स होते हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और टर्म होती है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, अदर रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट को छोड़ के जितनी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट हैं, दे आर कॉल्ड नॉन टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होती हैं, इसके एग्जांपल जैसे हो गए
कमर्शियल रेवेन्यू, कोई भी इंटरेस्ट हो गया, फी हो गई, डिविडेंड हो गया, आपका किसी भी तरह की लाइसेंस फी अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट अगर किसी तरह की पेनल्टी लगा रही है, तो दीज आर दीज काइंड ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं दैट क्रिएट लाइबिलिटी एंड दैट इवन कॉज रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है, इट मे कॉज लाइबिलिटी और इवन रिडक्शन इन एसेट्स। अब ये क्या होती है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी रेगुलर और रिकरिंग नेचर की होती है, इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने किसी को लोन दिया, अब हम उसे रिकवर कर रहे हैं, तो एक तरह से लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, रिडक्शन इन लाइबिलिटी। तो इस ये एग्जांपल हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, कोई भी अदर रिसिप्ट हैं, कोई भी हमने किसी से बोरो किया है, बोरो एंड अदर लाइबिलिटीज, तो इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर भी अब हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल लर्न अबाउट द बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। बजटेड एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब इसके अंदर भी दो तरह के एक्सपेंडिचर आ गए, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे आपका रेवेन्यू के जो एक्सपेंडिचर होंगे, ना तो इससे कोई एसेट्स में रिड्यूस होगा, ना ही ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया सब्सिडी, और क्या एग्जांपल हो सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट्स भी क्रिएट करेगा और ये रिड्यूस करेगा क्या, लाइबिलिटीज को। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कोई भी हमने लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर दिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग गवर्नमेंट ने करा दी। ठीक है, we will learn about the deficit, budget deficit, revenue deficit and fiscal deficit। ठीक है, अब budget deficit क्या होता है, जब government के expenditure revenue से ज़्यादा हो, that is called budget deficit। ठीक है, जब government के expenditure government के receipt से ज़्यादा हो, is called budget deficit। budgetary deficit भी सही इसी को बोलेंगे, कि जो total expenditure है वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है, तो इट इज़ कॉल्ड बजटरी डेफिशिट। ठीक है, अब सेकेंड हमारा आता है रेवेन्यू डेफिशिट। ये क्या होता है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई भी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू डेफिशिट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब हमारा आता है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट की। एक तो अ हाई रेवेन्यू डेफिशिएंट शोज क्या शो करता है, एक फिस्कल इनडिसिप्लिन शो करता है, और क्या शो करता है, इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट का एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर शो करता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और क्या शो करता है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि गवर्नमेंट जो है वो डिससेविंग कर रही है, गवर्नमेंट इज डिससेविंग, दैट इज गवर्नमेंट जो है इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फिनेंस द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिशिएंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिशिएंट, इट मीन्स वेन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। जब टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाते हैं टोटल गवर्नमेंट की रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ठीक है, तो फिस्कल डेफिशिएंट क्या होगा, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन है टोटल रिसिप्ट के इंक्लूडिंग बोरिंग। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, और क्या हो सकता है बता, कंट्री को क्या फेस करना पड़ सकता है, डेट ट्रैप। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ में रिड्यूस हो जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कोई भी इट ऑल्सो इंक्रीज फॉरन डिपेंडेंस, हम ज़्यादा फॉरन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है,
अब क्या आता है प्राइमरी डेफिशिएंट। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिशिएंट में, दैट बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिशिएंट वी गेट प्राइमरी डेफिशिएंट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिशिएंट? बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डेफिशिएंट, अगर हम फिस्कल डेफिशिएंट में से इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस डिडक्ट कर दें तो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिशिएंट, राइट। तो हाउ वी विल कैलकुलेट प्राइमरी डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, इट इंडिकेट्स कि जो भी गवर्नमेंट, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। अब इसको हमने करेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, मतलब जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएंट्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सी मेजर्स ले सकते हैं। अब आप कुछ बताइए कि कौन सी मेजर्स ले सकते हैं। हम पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। हम अदर इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन या अदर कंट्री से बोरो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट अपना खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा के इसको करेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो देर आर सम मेजर्स टू करेक्ट दीज डेफिशिएंट्स कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर ले, और पब्लिक से बोरो कर ले, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकती है, अदर कंट्री से बोरो कर सकती है, और कोई भी जो मॉनिटरी एक्सपेंशन है, जो भी इसमें मतलब खर्चा हुआ है उसको एक तरह से मैनेज करके इसको करेक्ट कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बजट डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट, एंड वी हैव लर्नड अबाउट द प्राइमरी डेफिशिएंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि बजट, जैसे हम अपने घर में बजट बनाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। बजट बनाने के लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करती है, ठीक है, अपने रिसिप्ट्स को कंसिडर करती है, अपने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करती है, और ये एक्चुअल नहीं होता, एक तरह का एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़े रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, फिर आगे फर्दर रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलर इन नेचर होती है, जैसे टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, ये सब। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्दर हमने टैक्सेस के बारे में नॉलेज गेन की कि टैक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नॉन टैक्स पढ़ा। फिर हमने डेफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट, बजट डेफिशिएंट, फिर और आपका ये प्राइमरी डेफिशिएंट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या 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 इसका मीनिंग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब आप इस चैप्टर को अपनी बुक से थॉरली रीड कीजिए, एंड इफ़ यू विल फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द टर्म, अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ में आती है तो kindly tell us, we will meet you shortly, right? Thank you and have a nice day.